किसका बदला लश्कर सुगठित दशा के नगरी का वास शिवाजी महाराज ने सामंत खलीफा आदर करा दिया आश्चर्यजनक देखभाल आलसन और मराठे शत्रु की मदद लेने का करना नेहमी हल्ले यांचा वापर करणार कधी मी काव्याचे तंत्र त्यांनी यशस्वीपणे वापरले आपल्या वडिलांकडून मिळालेल्या 2000 सैनिकांच्या कृपा 1,00,000 सैनिकांची लष्कर शिवाजी महाराजांनी उभे केले किनारी आणि अंतर्गत प्रदेशातील किल्ल्यांची डागडुजी करण्यासोबतच अनेक किल्ले त्यांनी उभारले राज्यकारभारात मराठी भाषेचा वापर करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले असे आमचे वीर मर्दमार आहे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे इन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों ने हिंदू एवं मुस्लिम ने प्यार से स्वीकार किया इसीलिए इन्हें जिद ए लाही के नाम से नवाजा गया अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ जो कि उस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया जब भी हम इतिहास के इस रूप को देखते हैं तब यही एक सवाल उठता है कि क्यों ऐसा क्यों अकबर जैसा शक्तिशाली शासक हिंदू संस्कृति को भी प्रेम करता था जब इतिहास के पन्नों से ही आवाज आती है उस प्रेम कथा की जिसे हम जोगा अकबर कहते हैं तेरहवीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज था सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के लिए किया ये कहानी अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकारों ने किताबों में लिखी थी ताकि वो राजपूत प्रदेशों पर आक्रमण को सिद्ध कर सके कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई थी इसीलिए इस कहानी को पद्मावती के नाम से जाना जाता है के पिता छत्रसाल पन्ना राज के बुंदेलखंड में शासन करते थे 1728 के समय मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया तब राजा ने अपनी बेटी के द्वारा बाजीराव के पास मदद के लिए संदेश भेजा यहाँ बाजीराव मस्तानी की पहली मुलाकात होती है उस समय बाजीराव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में ही थे बाजीराव की मदद से छत्रसाल मुगलों को हरा देते हैं मस्तानी बाजीराव की युद्ध कुशल को देख बहुत प्रभावित होती है छत्रसाल बाजीराव को इनाम के तौर पर अपनी बेटी मस्तानी को अपने राज्य के कुछ हिस्से देते हैं बाजीराव मस्तानी की सुंदरता और निडरता को देख प्रभावित होते हैं और उसे अपना दिल में बैठते हैं जिसके बाद बाजीराव उनसे शादी कर अपनी दूसरी पत्नी बना लेते हैं महाराणा प्रताप को राजपूत वीरता शिष्टता और दृढ़ता की एक मिसाल माना जाता है वह मुगलों के खिलाफ
युद्ध लड़ने वाले अकेले योद्धा थे। उन्होंने स्वयं के लाभ के लिए भी कभी किसी के आगे हार नहीं मानी थी। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ आजादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। वह अकबर के साथ हुए हल्दीघाट के युद्ध में हार गए थे, परंतु कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया और जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहे। अकबर के दरबार में अनारकली का नृत्य देखने शहजादी सलीम उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। वहीं दूसरी ओर अनारकली भी सलीम की नूर से खुद को बचा नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों अक्सर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। वह दोनों जितना एक दूसरे से मिलते उतना ही उनका प्यार परवान चढ़ता। दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था, तभी नूरजहां की नजर उन पर लग गई। वह बादशाह अकबर की दासियों में से एक थी जिसे शहजादी सलीम से प्यार हो गया था। कहते हैं कि वह चाहती थी कि सिर्फ उसका ही हक सलीम पर हो, मगर ऐसा करने में वह कामयाब नहीं हुई। सलीम तो अनारकली की मोहब्बत में डूब चुके थे। यह है दास्तानी मोहब्बत सलीम अनारकली। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतिभाशाली योद्धा था। रसायन कौशल में बहुत ही निपुण था। पृथ्वीराज चौहान ने आवाज के आधार पर निशाना लगाने की कुशलता थी। जब वर्ष 1179 में पृथ्वीराज के पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तब पृथ्वीराज ने 13 वर्ष की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज के दादा दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के बारे में सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज ने एक बार बिना किसी हथियार के अकेले ही एक शेर को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बनारस के एक मराठी ब्राह्मण के द्वारा उन्हें मनुकनी का नाम दिया गया और घर में मनु कहकर बुलाया गया। 4 वर्ष की थी जब माँ गुजर गई। पिता मोरपंत काम पेशवा के यहाँ काम करते थे और पेशवा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला, प्यार से नाम दिया छवि जी। मणिकर्णिका का ब्याह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ और देवी लक्ष्मी और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। बेटे को जन्म दिया लेकिन 4 माह का होते ही उसका निधन हो गया। राजा गंगाधर ने अपने चचेरे भाई का बच्चा गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास के महान शासकों योद्धाओं में अग्रणी है। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश का राज्य संभाला था। इसके पश्चात अपने 40 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने जो ख्याति अर्जित की थी वह अतुलनीय है। वे एक अद्वितीय शासन के रूप में विख्यात है जिन्होंने केवल मगध ही नहीं अपितु भारत के कोने कोने में सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया है।